2023 में क्या खोया क्या पाया? ज्यादातर तो खोया है, एक्सपीरियंस पाया। जब पैसा होगा तो सारी चीजें होंगी। शादी 2024 में, निकाह फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट वकास रज़ाक ताज। आज मैं मौजूद हूँ बहुत सारे स्टूडेंट में, यानी कि एक यूनिवर्सिटी में, और यहाँ लोगों से पूछते हैं कि इस 2023 में क्या खोया क्या पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जिब्रान अली। आपका? तल्हा। और जिब्रान, मुझे बताइए 2023 में क्या पाया क्या खोया? सर, खोया सर, ज्यादातर तो खोया है। और आपस की बात है, तुम्हारी हालत से भी लग रहा है खो ही दिया, बहुत ज्यादा खो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो क्या खोया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्या पाना है वो बता सकते? सर बहुत कुछ पाया है, बहुत अच्छी चीज़ें हुई जॉब के हवाले से, बाकी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है। तो ये हमारा कहना चाह रहे हो बच्चों की अम्मी मिल गई? नहीं, अम्मी तो अभी नहीं मिली, तलाश जा रही है। तुमसे ना हो पाएगा। चलो भाई, आप मुझे बताओ ऐसा क्या पाया क्या खोया? यूनिवर्सिटी तो गुजर गई, लेकिन पाया कुछ नहीं। जो सवाल, अच्छा, जिस नियत करके आया था, मैं नियत करता हूँ अम्मी की बहू की, मैं नियत करता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ, नियत है निकाह की, तो इसका मतलब वो नहीं हो सका? वो नहीं हो सका, बाकी तालीम तो बहुत अच्छी रही यूनिवर्सिटी। दिल टूट गया। दिल भला ही, वो दिल ही नहीं रखते जो टूट गया। बस ऐसा ही कुछ हुआ है, और बस बाकी करियर के हवाले से तो अच्छा रहा, जॉब अच्छी जगह, और इंशाल्लाह इसी को करियर और एक्सपीरियंस पाया, और नींद खोई। अरे कहना क्या चाहते हो? नींद खोने का मतलब ये होता है कि वो नहीं मिला? नहीं नहीं, ख्वाब नहीं मिला। तो आप क्या समझी? नोटी हो रहा के? मैं समझी पैसे। छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा, मेराल यहाँ पे पैसे के लिए जॉब कर रही, काम पड़ रही है, तो बाहर में कमाना, तो मेराल यानी नींद खो दी पैसों के लिए? जी थोड़ी तो खोनी पड़ती। पुलिस में थी या नाइट ड्यूटी करती थी? मैं फ्रीलांसिंग करती थी। राल ने इसका मतलब पैसा खो दिया, उन्हीं भी खो दिया। आई होप कि अब 2024 में वो मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैसा बहुत तेज हो रहा है। चलो मैं तो मिला हूँ राल, आगे चलते। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। वाकई चीज में पॉलिटिकल साइंस। सियासतदान मिल गया हमें। जब हिजरत कर कर आए थे तब से हमें सियासत मिली है। बर्थ सियासतदान है भाई ये तो। अच्छा ये मुझे बताओ 2023 में क्या खोया क्या पाया? 2023 में पाया तो कुछ नहीं, सब खोया। आपस की बात है, लड़कों का खोने का सर यही होता है। पैसा खोया? बिल्कुल पैसा। सुकून खोया? सुकून तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून तो है। पैसा खो के टेंशन पाया? हाँ ऐसा ही समझ लें। आपस की बात है, मुझे बड़ा 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 दुख है भाई तेरे साथ, हालत लग रहा, बड़ा जुल्म हुआ भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बताओ यार हमें थोड़ा। असल में लड़कों का जो है वो सिर्फ इतना ही दिमाग होता है पैसा, जब पैसा होगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। उम्मीद है 2024 में आ रहा है? इंशाल्लाह बिल्कुल आ रहा है। लड़के का 2024 में पैसा आ रहा है, यानी फिर पार्टी करेंगे हम? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। डन हो गया, ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, इस 2023 में क्या पाया क्या खोया? 2023 में कुछ नहीं पाया और कुछ नहीं खोया। क्यों भाई, क्या इस दुनिया में नहीं रहता? बड़ा हो गया 2023 में, 2024 में तुम नवीद बड़ा हो गया। हाँ कंट्रोल, नवीद बड़ा हो गया 2023 और 24 में तो कम हो गई मेरी। तो इसका मतलब दिल छोटा हो गया? नहीं नहीं, दिल तो बड़ा हो गया, 23 में मंगनी हो गई मेरी। अरे लड़का अंगेज है 2023 में, मंगनी हो गई? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शादी कब है? शादी 2024 में, निकाह है फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह। ये तो पढ़ाई और ये नौकरी और फिर छोकरी आ जाती है ना बीच में, ये बड़ा मसला आता है ना। फिर जब ये नहीं आएगा तो छोकरी को क्या खिलाएंगे? 2023 में क्या खोया क्या पाया? कुछ भी नहीं खोया पाया, अल्लाह को पा लिया। अल्लाह को पा लिया? हाजा मौली, हाजा ईमान जाग गया। ईमान जागने के बाद? यार ईमान जागना चाहिए, मेरा भी ईमान जागे, सबका जागे। ईमान जागता तो बंदा नमाजी, परहेजी और बुरी चीजों से बचता है, अपनी निगाह की हिफाजत करता है। बेशक। तो अल्लाह को पा लिया? इंशाल्लाह। तहज्जुद पढ़ी थी? तहज्जुद आज नहीं पढ़ी। आज नहीं पढ़ी? इशराक पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। अब अबील पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। अल्लाह करे हम सब इतने नमाजी परहेजी हो जाएं, अल्लाह को इतना पालेंगे सारी नमाजें पढ़ सके। कोशिश जारी है। इसमें तुमने अल्लाह को पा लिया, अब उम्मीद क्या 2024 में क्या पाना? मजीद बेहतर, अल्लाह से भी बेहतर। अल्लाह को पा लिया तो फिर तो उसके बाद मौत है। मजीद बेहतर कुर्ब। यार मेरा बंदा, हाय हाय तू गले लग जा, ठंड बढ़ गई, पहला ईमानदार मिला है मुझे। चलो इस बात से बात करें, पाकुला पिला भैया क्या नाम है भाई? अपनी ब्रांड सपोर्ट करें भाई, बहुत जरूरी है, जो आप कर सकते हैं कम से कम वो तो करें।
निकल। आप आवाज बन सकते हैं और जितना हक अदा कर सकते हैं अपना करें एज अ मुस्लिम। आपके भाई ने केएफसी मैकडॉनल्ड कोल्ड ड्रिंक शोल्डिंग सब पीना बंद कर दी। पूछा मैंने कुछ? ठीक है, मैं लिमका पे आ गया हूँ, लिमका पी रहा होता हूँ। मेरा फेवरेट था डोमिनो, मैंने बैकआउट कर दिया उसका। तो क्या नाम है? अहमद। अहमद कौन सी क्लास? काज यूनिवर्सिटी से उर्दू बी एस कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। अहमद मुझे ये बताओ 2023 में क्या पाया, क्या खोया? 2023 में मुस्कुराहट आई ना, आए हाय हाय आपको मैं पहले समझ आता है। वो याद आ गया, वो खोया दूध का खोया और वो पाया। ला अहमद नहीं, होशियारी नहीं, होशियारी। अहमद मुझे बताओ क्या पाया क्या खोया, ईमानदारी से मुझे मुस्कुराहट आई वही बता दो। क्या खोया क्या पाया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ भी नहीं खोया यार, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं इस मुल्क में। तो पाया क्या? अब पाएंगे ना 2024 में इंशाल्लाह। क्या क्या पाया वो बताओ। 2023 बहुत अच्छा रहा मेरा, यानी बहुत कुछ सीखने का मिला। ये तो बुरी चीज़ हो गई, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अच्छा ये बुरा? नहीं नहीं, कराची यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल देख के पकड़ के मारेंगे? नहीं नहीं, कराची यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जामिया कराची एक अपनी अलग मुनफरद है, अपनी खासियत रखती है एक। और ये कह लें कि अगर कराची सूबह बन जाए तो सबसे बड़ा जो शहर होगा वो कराची यूनिवर्सिटी होगी। ये भी सही कह रहा है, कराची बहुत बुरा शहर आबाद है यहाँ पे। बस ये कि 2023 में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें नई नई हुई, हम बड़े हो गए, थोड़े टीन एज से थोड़े बाहर निकले हम। ये इनकी वालदा साहबा ये आपको कह रहा, हम बड़े हो गए, आप समझ जाए। हाँ समझ जाओ, तू समझा? नहीं तू नहीं समझा, हम मालूम है तेरे बाप को। थैंक यू सो मच। ये क्या खोया क्या पाया 2023 में? पाया ही है। क्या क्या नाम है जो चीज़ पाई है? मतलब ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे ही इन जनरल अचीवमेंट्स हैं कुछ जिंदगी में और ज़्यादा मतलब ना। 2024 में क्या पाना? अभी डिसाइड नहीं, अभी है ना टाइम। खोया तो नहीं है? नहीं। हाँ मुझे बताओ क्या पाया क्या खोया? सब कुछ ही खो दिया। वो वाकई इनकी माशाल्लाह हेल्थ से लग रहा है, इन्होंने खो दिया। जो चीज़ें खोई उनका थोड़ा एलिब्रेट करो। सबसे पहले तो ग्रेड्स मार्क्स वो खो दिए बहुत बुरी तरीके से, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस था, वही खोती है। इसके अलावा तो 2024 में क्या पाले? इन्हीं को ही पालें, बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताओ 2023 में क्या खोया क्या पाया? सब कुछ ही खोया पाया तो कुछ नहीं। ये मेरा भाई मिल गया, ये क्या क्या 2023 में क्या खोया क्या पाया? बच्ची खोई है, जिंदगी पाई है। ओहो बच्ची खोने के बाद इसको लाइफ में सुकून आ गया? ऐसा वैसा सुकून जिंदगी नाले दो। किसको? बच्ची को? अबे बाकी नाराज हो जाएंगी। बाकी भी नाराज होंगी भाई, जिसने तुम्हें खोया है उसको दो ना। उसको जाने दो, जाने वाले को रोकते नहीं, आने वाले को टोकते नहीं। प्यार सच्चा आजकल मिलता कहाँ है? प्यार ये नहीं है। 2024 में क्या पाने वाले हो? 2024 में मैं इंशाल्लाह जो है वो कायदे आजम को कब्र से निकालने वाला हूँ। उसके बाद क्या करने वाले? उसके बाद बस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेंगे दूध की। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कायदे आजम को कब्र के निकालने से क्या कॉन्सेप्ट होगा भाई, ये तो कोई फायदा ना हो। कायदे आजम आएगा तो दूध की फैक्ट्रियां खुलेंगी ना। ये की ईमानदारी आएगी, मुल्क बेहतर हालात पे चलेगा, ऐसे ही। ईमानदारी तो घंटा लेने, ये ईमानदारी हमारे मुल्क में नहीं है। बात तो सही है, ईमानदारी नहीं है। तुम्हें जज बना दे। जज बनाओगे? मैं सब, आप मुझे जज बना दो, मैं सबसे पहले मुल्क खाऊंगा, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे तो मेरा भाई तैयार बैठा है मुल्क खाने के लिए। अच्छा मेरे एक और भाई है, क्या नाम है भाई? मीसम नाम है मेरा। मीसम क्या खोया क्या पाया? मैंने खोया बहुत कुछ है, पाया जो बहुत कुछ खोया उसमें से बेसिक बता। उसमें बेसिक एक लड़की खो दी, हुमा नाम था लड़की का। मजे की बात, नौकरी इसके पास करता भी नहीं है ना, तो पहले करता था ना, जो करता था वही। जो लड़की की नौकरी करता? नहीं लड़की की नौकरी, लड़की अलग थी, नौकरी अलग थी, छोकरी अलग थी, नौकरी अलग। 2024 में क्या अचीवमेंट है? 2024 में मेरा है कि किसकी नहीं, 2024 इंशाल्लाह अच्छा होगा, कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। लेकिन मैं कोशिश है कि 2024 की पहली रात जो होगी उसमें मैं कोई ना कोई लड़की सेट कर लूंगा। पूछा मैंने कुछ? भाई यहाँ मामला था, रात खराब सब कुछ हुआ यहाँ, इन्होंने लग रहा जिंदगी खो दी है। जॉब मिले ना मिले, नौकरी लड़की मिल जाएगी। मेरे भाई अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा या इन भाइयों से रब्ता करें तो ये रिश्ते कराएंगे, हमें रिश्ता कराने वाली आपा मिल गई है। हम कंधे पे रुमाल भी डालेंगे। और नाज़ीन बड़ा खूबसूरत शेर, कोई हार गया कोई जीत गया, जिंदगी का एक और साल बीत गया। पूछा मैंने कुछ? इसी के साथ मैं चलता हूँ, आज हमने लोगों से बात की और मज़ा आया, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिले, सारे दुखे हार के पाकिस्तानी कराची अवाम दुखों की मारी गजब बेइज्जती है। अच्छा नाजीन मैं बताता चलूँ, आप मेरा चैनल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, बेल आइकॉन आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए, देखते रहिए 99 न्यूज़। मैं हूँ आपका होस्ट वकास रजाक ताज और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।